काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ पे फैंस लोगों का ये जोश देख के मतलब काफी अच्छा लग रहा है और काफी एक्साइटेड है इस सीजन के लिए। ऑलरेडी एक दो कैंप प्री सेशन हम लोगों का कैंप हो चुका है, हम लोग सौरभ गांगुली सर के साथ कोलकाता में एक दो कैंप ज्वाइन किया है और वापस हम लोग यहाँ पे अभी कैंप स्टार्ट हुआ है। तो अभी हमारे पास काफी टाइम है, 10 दिन का टाइम है कैंप के लिए, तो हम लोग फर्स्ट मैच के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी ऋषभ नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऑफकोर्स उसको मिस करने वाले हैं, बट डेविड वार्नर भी काफी एक्सपीरियंस रह चुका है, वो पहले भी आईपीएल में कैप्टनसी कर चुके हैं और चैंपियन भी रह चुके हैं, तो देखते हैं इस बार भी हमारे सीजन वो अच्छा ही रहेगा। दिल्ली फैंस के लिए यही है कि लास्ट 4 सीजन हमने बहुत मिस किया है ग्राउंड में, मतलब हम लोग बायो बबल में बिना क्राउड के खेल रहे थे और फर्स्ट टाइम हम लोग कोटला में खेल रहे हैं अभी आप 3 साल के बाद, तो मतलब वो वाइब्स और वो जोश देखने में अच्छा रहेगा। उस टाइम पे जो वाइब आ रही थी वो सेम वाइब अभी फील कर रहे हैं, तो ये नई जर्सी पहन के बहुत एक्साइटेड थे। मुझे लगता है कि देखिए लास्ट ईयर भी जब हम साथ में थे, डेविड वार्नर और ऋषभ भाई दोनों साथ मिलकर काम करते थे, तो ज्यादा सेम टाइप की कैप्टनसी देखने को मिलेगी ग्राउंड पे। और दिल्ली फैंस को यही कहना चाहेंगे कि हाँ, ऋषभ भाई को हम मिस करेंगे बट डेफिनेटली उनको सेलिब्रेट करने का एक मौका देंगे, इस साल इतना एफर्ट लगाएंगे।